नमस्कार, जन्म की पुकार में आपका स्वागत है। किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। यह मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे वेस्ट पदार्थों से ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, जो पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आशादीप क्लिनिक पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि आजकल के गलत खानपान व जीवन शैली में बदलाव के कारण किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। किडनी के रोग से बचने के लिए पानी का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों को कम पानी पीते देखा जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन व गैस के साथ पेट एवं किडनी और स्टोन जैसी समस्याएं देखी जा रही है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर विकास कुमार ने कुछ उपाय बताए, जिसमें आजकल की भागदौड़ वाले व्यस्त जीवन शैली में लोगों को तनाव से बचना चाहिए, शराब व धूम्रपान से परहेज करने के साथ ही भोजन में ज्यादा नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, सुबह में टहलना चाहिए तथा हल्के व्यायाम करने चाहिए। वहीं डायबिटीज व हाई बीपी से ग्रसित लोगों को किडनी की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर विकास कुमार ने अधिक में बताया कि किडनी रोग के विभिन्न लक्षण हैं, जिनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। चेहरे और पैरों पर सूजन, खाने की इच्छा न होना, उल्टी व उबकाई आना, बहुत अधिक थका महसूस होना, रात में पेशाब का अधिक होना, पेशाब होने में तकलीफ आदि होने पर चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें। पेशाब में प्रोटीन बढ़ना किडनी रोग की समस्या की ओर इशारा करता है, चूंकि किडनी रोग को साइलेंट किलर माना जाता है और यह पीठ की ओर से पसलियों के नीचे होता है, इसलिए पीठ के पीछे वाले हिस्से में नीचे की तरफ दर्द होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी हो जाता है। इन हिस्सों में दर्द किडनी रोग की समस्या की ओर संकेत देता है। वहीं पेशाब में खून आना, बुखार रहना, पेशाब में जलन के लक्षण को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, रक्तचाप व शुगर को नियंत्रित रखें, खाने में संतुलित आहार लें, बढ़ते वजन को कंट्रोल करें, धूम्रपान, शराब व तंबाकू के सेवन से बचें एवं किडनी का वार्षिक चेकअप जरूर कराएं, ऐसा डॉक्टर विकास कुमार के द्वारा बताया गया। आजकल युवाओं में अधिकांश देखा जा रहा है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जा रही है, किसी किसी लोगों में स्टोन दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं लोग, मरीज परेशान हो जा रहे हैं कि स्टोन की बीमारियाँ सामने आ रही है। तो क्या खान पान होना चाहिए और किस प्रकार लोग ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, यही जानने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं आशादीप क्लिनिक में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास कुमार, आज उनसे जानते हैं। तो सर कृपया बताएं। मैं डॉक्टर विकास कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट या मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में आशादीप क्लिनिक में वर्क कर रहा हूँ। यह जो समस्या है स्टोन की समस्या, अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक वाइज 5-10% पॉपुलेशन में स्टोन की समस्या होने की संभावना होती है, जिसमें आपकी कुछ जन्मजात विकृतियों के अलावा खान पान एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है स्टोन फॉर्मेशन में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो स्टोन की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़, कुछ खाने के पदार्थ जैसे जिसमें ऑक्जिलेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे पालक, टमाटर, या जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स, स्पेशली मांस, मछली या आप मटन खाते हैं तो आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिस जो स्टोन फॉर्मेशन में मदद करता है, तो वैसे लोगों में स्टोन की समस्या होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप लक्षण की बात करें तो इन पेशेंट्स में पसली में दर्द, जो पसली के नीचे जो एरिया होता है उसमें दर्द होने की संभावना होती है, साथ साथ पेशाब में जलन, पेशाब में खून का आना, बार बार पेशाब लगना अथवा उल्टी या बुखार जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप इलाज की बात करें तो यह बहुत कॉमन भ्रांति है कि स्टोन का इलाज कैसे होता है। तो स्टोन का इलाज मेडिसिन और सर्जरी दोनों से होता है और यह डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज कितना बड़ा है और कहाँ है, इसके अनुसार ही हम लोग दवाई या सर्जरी सेलेक्ट करते हैं। खुशी की बात यह है कि आजकल सर्जिकल सर्जरी जो है एंडोस्कोपिक विधि से हो रही है, जिसे हम लोग PCNL या RIRS करते हैं। इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मरीज 1-2 दिन के अंदर घर जा सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। अगर बचना हो स्टोन से तो 2-3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। एक, नियमित एक्सरसाइज करें ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे। दूसरी चीज़, पानी का प्रयोग 3-4 लीटर डेली पानी पिए। तीसरी चीज़, खान पान जिसमें पालक, टमाटर,
नॉन वेजिटेरियन फूड्स को कम करें या अवॉइड करें। इसके अलावा जंक फूड्स, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स में काजू, चाउमीन या कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों को ज़्यादा ना लें। अगर ये सब आप करते हैं तो आप अपने स्टोन की समस्या से बच सकते हैं। फिर भी अगर स्टोन हो जाए तो डेफिनेटली आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।